राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज थाना बिंदापुर में एक कंप्यूटराइज्ड लैब और लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया। आपको बता दें कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से थाना बिंदापुर परिसर में कंप्यूटर क्लास और लाइब्रेरी का आयोजन किया गया। जिन बच्चों में अपराध से जुड़ने की संभावना है या समाज के पिछड़े तबके से जो बच्चे आते हैं उनको शिक्षित करने का काम संगम एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जिसमें सहयोगी बन रही है हम सब की दिल्ली पुलिस यानी दिल की पुलिस। आपको बता दें कि यहाँ ट्रेनिंग के बाद जॉब प्लेसमेंट की भी कोशिश जारी है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि वह समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और इसी वानगी में आज उनके साथ संगम एजुकेशन ट्रस्ट जैसी समाज सेवी संस्थाएं कदम से कदम मिला रही है। माहौल मिले पढ़ने का, हमारे भी परिवार के बच्चों को माहौल मिले पढ़ने का और आगे बढ़ने का। मैं समझता हूँ कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कुलदीप ने जो अमीश और उनके दूसरे साथी जैकब ने जो ट्रस्ट में ये मेहनत शुरू की है, पुलिस उनके लिए बहुत अच्छा एक सहयोगी साबित होगी। और फॉर्चुनेटली कुलदीप के जो सन है अंगद, ही इज एन IPS ऑफिसर has been allotted the Admit card, so he will be here in Delhi in future. तो एक बहुत बढ़िया ये उनका मैडम का भी मेमोरी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और वो चूंकि खुद एक बहुत अच्छी टीचर रही हुई थी, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर ये कंट्रीब्यूशन कुलदीप के साथ हमारी दिल्ली पुलिस इसमें सहयोग कर सकेगी तो हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। प्रोवाइड करना ये युवा प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है और आज जिस तरह से ये प्रोग्राम था ये संगम फाउंडेशन का, इसके अंदर ये बिंदापुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाइब्रेरी प्लस में एक स्किल सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है। और कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसको भी वो अपनी वेलफेयर वाली जो वर्टिकल चल रहा है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर दिल्ली के अभी कुछ और भी प्रोग्राम जैसे वेलनेस सेंटर, स्पेसिफिकली पेंडेमिक के दौरान हमने देखा था कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर सुविधाओं की, तो जैसे कि एजुकेशन सेंटर, स्किल सेंटर पुलिस स्टेशंस के अंदर शुरू किए गए हैं, ऐसे ही वेलनेस सेंटर्स भी पुलिस स्टेशंस के अंदर शुरुआत करने की पहल दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस और स्वयं सेवी संगठनों का ये बदलता स्वरूप आज उन लोगों के लिए सराहनीय पहल साबित है जो लोग शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी वश वह शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष कुलदीप मेहता अपनी धर्मपत्नी संगीता मेहता की याद में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। Basically, Sangam Trust has been launched by us in memory of my wife, whom we lost to COVID in May 21 last year. So basically, she was into philanthropy and social service, and she was a passionate teacher. So we want to carry this forward. So there are three core areas of Sangam Trust. One is quality education, second is sustainable development, and third is preservation of native culture. बेसिक जो संगम ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है जो हम दिल्ली पुलिस थाने में बिंदापुर आज हमने स्टार्ट किया है, इसका हमारा मेन मोटिव है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलके जो यूथ हैं, जो मे बी जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं या गर्ल्स हैं जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम ऑफ क्राइम या वैसे बच्चे हैं जो मार्जिनल एज पे हैं जिनको अगर हम टेक केयर ना करें तो स्लोली ग्रेजुअली वो क्राइम की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। वैसे बच्चों को हम क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए संगम ट्रस्ट इनको यहाँ पे जिस तरीके से हमारे हाईटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और लाइब्रेरी बनाया है, ये उनको हेल्प करेगा उनको मेन स्ट्रीम में वापस से उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको लाने के लिए। अभी इनिशियल स्टेज पे हम दो बैचेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैचेज जिसमें हमारा जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए हमने डेडिकेट किया है, दूसरा हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ गर्ल्स के लिए वो कर रहे हैं। बेसिक हमारी जो टोटल कैपेसिटी है हम पूरे साल में लगभग 700 से 800 बच्चों को हम इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट अभी जैसे आज हमारा स्टार्ट है तो हमारे अभी पायलट जो स्टार्टिंग बैच में दो हमारे बैच हैं जो 20-20 का हमारा बैच है, जो आगे चल के जो नंबर है वो और ज़्यादा हमारा इंक्रीज होने वाला है। काफ़ी क्लोजली जो हमारे चेयरमैन सर हैं कुलदीप सर, उनके थ्रू मिलकर हम बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो हम कर रहे हैं। जो बच्चों के जो ऑलरेडी हमारे पास इंक्वायरी पहुंच रहे हैं जो इस संगम ट्रस्ट के थ्रू बेनिफिट होना चाहते हैं,
और दिल्ली पुलिस के माध्यम से भी हमें काफ़ी सारा डेटा मिला है, जो उनके पिंक फाइल या जैसे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स वगैरह होते हैं, तो उनमें हम विल ट्राई कर रहे हैं कि वो हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनसे बात काउंसलिंग के थ्रू उनको वापस हम ट्रेनिंग में रोटेट कर सकें। यहाँ आने वाले छात्रों ने संगम एजुकेशन ट्रस्ट और दिल्ली पुलिस दोनों को ही संयुक्त रूप से इस सुनहरे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद कहा। माई सेल्फ महक जिंदल एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस NGO को, संगम ट्रस्ट को और पुलिस स्टेशन को, क्योंकि उन्होंने फैकल्टी प्रोवाइड करी इधर और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखने आ रहे हैं और हमने खुद भी एज ए मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मैंने खुद भी उन बच्चों से बात की है, तो मैंने उनके बारे में पता किया, तो वो खुद भी उधर अपने NGO में पढ़ाते और यहाँ पे वो खुद भी एक IT एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मतलब उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और हमको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मतलब एक ही होता है कि एक स्पेस नहीं मिल पाता है इजीली, कि अगर उन्हें कुछ कराना है तो स्पेस मिल पाता है, तो वो पुलिस स्टेशन ने प्रोवाइड किया है उस NGO को, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कार्यक्रम के अंत में द्वारका पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने कमिश्नर राकेश अस्थाना और संगम समूह का धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में जल्दी ही अन्य थानों में भी संगम एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। पश्चिमी जिला पुलिस और द्वारका जिला पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।